गाइस हम पहुंच चुके हैं भीमसर। वाओ बताते चले कि भीमसर महादेव मंदिर रानीखेत से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए गाइस, ये है सामने में हमारा महादेव का भीमसर मंदिर। ये हमारे चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ एक प्यारा सा मंदिर है। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। वाओ ये देखिए पूरा नज़ारा। घने देवदार के बीच भीमसर महादेव का पवित्र मंदिर स्थित है। अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक माहौल के साथ साथ यह स्थान अपनी वैदाग प्रकृति की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भीमसर महादेव का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और इसलिए यह सदियों से उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान रहा है। गणेश, हर गौरी और महेश मर्दिनी की मूर्तियों वाला यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। महेश मर्दिनी की मूर्ति पर नागरी लिपि में ग्रंथ उत्तीर्ण है जो 9वीं शताब्दी के। माना जाता है कि यह मंदिर राजा पिट्टू ने अपने पिता बिंदु की याद में बनवाया था और इसे बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटी सी जलधारा के सामने और देवदार और ओक के जंगल से घिरा यह मंदिर राज्य में घूमने लायक जगह है। महादेव मंदिर आदिकाल का बताया जाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह मंदिर 600 साल पुराना है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। एक मान्यता के अनुसार किसी समय पर भीमसर के पास स्थित सोनी गांव में मनिहार रहते थे। बताया जाता है कि जब इस जंगल में गाय चरने के लिए जाती थी तो वापस लौटने के बाद एक गाय का दूध निकला रहता था। एक दिन मनिहार ने उस गाय का पीछा किया तो देखा कि जंगल में एक पत्थर के ऊपर खड़ी होकर गाय दूध छोड़ रही थी और पत्थर वह दूध पी रहा था। गुस्साए मनिहार ने गाय को धक्का देकर कुल्हाड़ी से पत्थर पर प्रहार कर दिया। इससे उस पत्थर से खून की धार बहने लगी। शिवलिंग पर आज भी कुल्हाड़ी के वार के निशान दिखाई देते हैं। तो ये था भीमसर महादेव का पवित्र मंदिर जो कि रानीखेत में स्थित है। तो ये था आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।